हेलो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी को. मेरा नाम जेपी चौहान और हम कर रहे हैं सब मिलके बहुत शानदार काम. और आप कहां पर मौजूद है? एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर. और आज दोस्तों हम वेव ऑप्टिक्स की आहुति देने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स को रवाना करने वाले हैं और कल अपन मॉडल स्टार्ट कर देंगे. और अभी तक जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से शुरू से वीडियो की चेकलिस्ट ऊपर दिख जाएगी आपको, उसको जल्दी से वहां पर फॉलो करना शुरू करें. और ये क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार चल रहा है और मैं आपको इस मार्च के महीने तक पूरा कोर्स हाथ में लाके मेरी पूरी कोशिश है, मैं शिद्दत से ट्राई कर रहा हूं. बस आप वीडियोस को एंड तक देखें, बस ये मेरा काम करते जाएं आप. राइट, जल्दी स्टार्ट करते हैं. वेव ऑप्टिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है, कल अपने इंटरफेरेंस पूरा कर लिया था, बहुत ही शानदार रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. नाउ वी आर कमिंग टू डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो डिफ्रैक्शन की अगर अपन बात करें, देखो डिफ्रैक्शन का सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं. सपोज ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, ये बल्ब है, बल्ब है ये आपके पास बल्ब है. यहां पर मैंने क्या कर दिया है, एक बोर्ड लगा दिया. यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां क्या लगा दिया मैंने, बोर्ड लगा दिया. एक मैंने बोर्ड के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एक होल कर दिया. ठीक है, पीछे बल्ब, बीच में बोर्ड, होल कर दिया. ये सपोज पर्दा है मेरे पास, ये स्क्रीन है. क्या होगा, जिस साइज का होल होगा उसी साइज का उजाला, उसी साइज की रोशनी आपको यहां दिखाई देगी. अब क्या करो, आप होल का साइज छोटा छोटा करो, होल का साइज छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो. उधर जो प्रकाश आ रहा था, जो रोशनी आ रही थी, उसका साइज भी क्या होगा, वो गोला जो बन रहा था, जो सर्कल जो बन रहा था, वो भी छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. इसको इतना छोटा कर दो, पिन साइज कर दो, इसको इतना छोटा कर दो, पिन साइज कर दो, तो एकदम क्या होगा, पिन साइज का होल वहां पर, पिन साइज की रोशनी वहां पर दिखाई नहीं देगी, कुछ अलग सा दिखाई देगा. क्या होगा, वो लाइट जो गोला जो अपने को दिखाएगा वो बिल्कुल फैल जाएगा, पूरा ब्लर हो जाएगा, बिल्कुल पूरे स्क्रीन के ऊपर फैल जाएगा. क्या हुआ ये, दिस इज वॉट डिफ्रैक्शन, दिस इज वॉट डिफ्रैक्शन. किस कंडीशन में हुआ, अब यहां पर हुआ क्या है, जब पिन साइज का बीच में ओपेक जो है, या ऑब्स्टिकल बोल दो या अपर्चर बोल दो, जब भी पिन साइज का होल रास्ते में आता है लाइट के, राइट, तो जो भी लाइट आई थी वो उसके ओपेक से क्या हो जाती है, ओपेक पे क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है. तो लाइट क्या, वो यहां से बैंड हो गई और पूरे स्क्रीन पे फैल गई जाके. इस बैंडिंग फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन. और लाइट जो बैंड हुई है, पहले रोशनी यहां तक थी, इधर क्या था, शेडो था, है ना, पहले गोला इतना बड़ा था, चारों तरफ शेडो, फिर गोला छोटा हुआ, चारों तरफ शेडो, और छोटा हुआ, चारों तरफ शेडो. एक कंडीशन ऐसी आई, लाइट बैंड हुई और शेडो के अंदर फैल गई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन. इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन जो है वो सिंपल, डिफ्रैक्शन को अगर अपन बात करें तो डिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, मैं वही एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर. तो मेरे पास ये सपोज मेरे पास क्या, एक स्लिट है, और ये मेरे पास क्या, स्लिट के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है. तो जब स्लिट के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है तो लाइट जो होती है वो ऑलमोस्ट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है. रेक्टिलिनियर लाइट क्या करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट करती है. और जब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट करती है और अराउंड द कॉर्नर्स, हाँ यहां पर बेंडिंग होगी, यहां पर देखोगे एक्चुअल में, अगर हाइगन प्रिंसिपल आपको पता हो, ये मेरे पास क्या है, पैरेलल रेज है, तो इसका वेव फ्रंट क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, और वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद हर जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा. तो यहां से वापस फर्दर मेरे पास लाइट बाहर निकलेगी, है ना, अराउंड द कॉर्नर्स वापस लाइट बाहर निकलेगी, अराउंड द कॉर्नर्स यहां से वापस लाइट. लेकिन इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, इस लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, जब स्लिट का विड्थ बहुत ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लाइट का बंच है, रेस का बंच है, तो इसके कंपैरेटिवली ये वाली इंटेंसिटी बहुत डाउन होती है. तो इसलिए मुझे मैक्सिमम जो स्क्रीन के ऊपर जो रोशनी दिखाई देती है वो इसकी दिखाई देती है. ये डिफ्रैक्शन सिंपल होता है. अब मैं स्लिट की विड्थ कम करता हूं, अब मैं स्लिट की विड्थ कम करता हूं, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो लाइट मेरे पास यहां पर ट्रेवल कर रही है उसकी इंटेंसिटी, और यहां पर जो मेरे पास कॉर्नर पर जो प्लेन वेव फ्रंट, ये मेरे पास क्या हो गया, आइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, और उसमें मौजूद हर एक पॉइंट जो होता है वो वापस सोर्स की तरह बिहेव करता है. ये मेरे पास क्या हो गया, वापस रोशनी बाहर निकली, यहां से वापस रोशनी बाहर निकली, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स. तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी, यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी डाउन नहीं होती है, यहां पर इंटेंसिटी डाउन नहीं होती है, इतनी डाउन नहीं होती है इसके इसके कंपैरेटिवली, है ना. यहां पर मेरे पास क्या होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टी लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. यहां पर इंटेंसिटी डाउन नहीं हो रही है, इंटेंसिटी ये वाली डाउन नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन के ऊपर रोशनी दिखाई देगी अपने को, राइट. लेकिन ये कब होता है, ये इफेक्टिव कब होता है, जब मेरे पास स्लिट का विड्थ क्या हो, बहुत कम हो, या मैं बोल सकता हूं जो भी मेरे पास रे आ रही है उसका लेमड़ा और इसका साइज अगर डी है तो क्या होना चाहिए, तो फॉर डिफ्रैक्शन. तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, बेंडिंग, बेंडिंग की स्पेलिंग क्या होती है यार, देख लेना यार बेंडिंग ऑफ, या बेंडिंग शायद ई होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड कॉर्नर्स एंड
एंटरिंग इन शेडो, शेडो के अंदर एंटर करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं। और ये कब पाया जाएगा, है ना, ये हैपेंस, मतलब ये कब होगा, अकर्स कब होगा, जब लैम्ब्डा नियरली इक्वल्स किसके हो, डी के, कंपेरेबल हो, जो जो मेरे पास स्लिट है उसका साइज मेरे पास क्या हो, जो मेरे पास लाइट आ रही है उसके वेवलेंथ के बराबर साइज का हो, के कंपेरेबल हो। अगर माइक्रोमीटर में तो ये भी माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में तो ये भी नैनोमीटर में, इस तरीके से होना चाहिए तो डिफ्रेक्शन मुझे ऑब्जर्व होगा। इन जनरल जो डिफ्रेक्शन जो ऑब्जर्व होता है वो साउंड वेव्स के अंदर ऑब्जर्व होता है आपको जनरली, है ना, वो सिग्निफिकेंट होता है साउंड वेव्स के अंदर, डेली लाइफ के अंदर साउंड वेव्स फैलती सब तरफ साउंड सुनाई देती है, लाइट अपने सब तरफ फैलती हुई सुनाई नहीं देती है, लिखाई नहीं देती है, राइट, तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है इसके साउंड वेव्स के अंदर। लेकिन लाइट के अंदर अपन तभी स्टडी कर पाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर स्टडी करने के लिए अपन क्या करते हैं, छोटे पिन होल की बात करते हैं अपन, तभी ये क्या होता है, फिजिबल होता है। चलो और बात करते हैं अपन आगे। अब टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन क्या है, ये स्लिट, सपोज ये स्लिट हो गई और ये स्क्रीन हो गई, ये मेरे पास क्या स्क्रीन, ये सपोज मेरे पास क्या स्क्रीन, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या है, डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन क्या है, डी। फ्रेसनल डिफ्रेक्शन क्या है, अगर मेरे पास डी स्मॉल हो, मतलब डिफ्रेक्शन को इस तरीके से स्टडी करें कि डी स्मॉल रखें अपन, है ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन अगर बहुत कम हो तो उस केस में जो डिफ्रेक्शन मिलेगा, डिफ्रेक्शन स्टडी करेंगे उसको अपन बोलेंगे फ्रेसनल डिफ्रेक्शन, राइट। और उसके बाद में फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन की बात करें अगर अपन, तो फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन जो होता है, उस फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप यहां पर क्या करते हो कि डी, इफ डी इज लार्ज, देखो डी लार्ज है, डी लार्ज मतलब स्लिट का स्क्रीन से सेपरेशन बहुत ज्यादा है, जब स्क्रीन स्लिट का स्क्रीन से सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर जो भी रेज होगी, रेज को मुझे स्क्रीन तक पहुंचाना है तो मुझे रेज को क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा, क्योंकि रेज तो फैल गई, बैंड हो गई, फैल गई सब डायरेक्शन में, लेकिन वो फैली हुई रेज को वापस मुझे कन्वर्ज करना है, तो जनरली फ्रॉनऑफर के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज अपन यहां पर काम में लेते हैं। इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंसेज की जरूरत नहीं होती है बिकॉज सेपरेशन बहुत कम है, तो सीधी लाइट पहुंच जाएगी फटाफट, राइट। तो ये मेरे पास टाइप्स होते हैं। मेन अपने पास इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है वो क्या है, डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट, जो यहां से अपने पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा अपने को, तो इसको अच्छे से देखेंगे अपन। और डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लेंस यूज किया है ना, मैंने ये बना रखा है क्या मैग्नीफाइड व्यू, मैंने इसका क्या बनाया है, ये जो छोटी स्लिट थी इसका, अगर मैं डिफ्रेक्शन डिस्कस कर रहा हूं तो स्लिट का विड्थ वैसे ही स्मॉल ही लेना है अपने को, ये अंडरस्टूड होना चाहिए अपने को, राइट। तो ये विड्थ मेरे पास क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो जो भी रेज है, यहां पर रेज आ रही है, अब कई बार क्या होता है रेज पैरेलल नहीं होती है तो क्या करो आप, एक यहां पर भी कई बार अपन क्या कर देते हैं, लेंस काम में ले लेते हैं, उस लेंस के फोकस पे सोर्स रख दो, सोर्स से निकलने वाली रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन, तो ये पैरेलल रेज होगी, तो यहां पर भी कई बार लेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं अपने को। चलो अब देखो यहां पर अगर अपन देखें, अब रेज की बात करते हैं, देखो कुछ रेज सीधी जाएगी, सपोज ये सीधी गई, ये सीधी जाने वाली रे, ये सीधी जाने वाली रे, ये क्या होगी, ये मैंने कहा रखा हुआ है यहां पर स्क्रीन है, ये लेंस है, ये स्लिट है, इधर रेज आ गई लेंस के फोकस पे, मैंने स्क्रीन रखी हुई है, मतलब ये फोकल प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, फोकल प्लेन हो गया, हाँ फोकल प्लेन हो गया, तो यहां पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ये लेंस बिल्कुल स्लिट के पास में होता है, लेकिन स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन अपन डी बोलते हैं, तो ये डी और एफ लगभग बराबर होते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत कम होता है, तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स ऑन द फोकस, तो यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्या होगा, यहां पर इंटरसेक्ट कर गई ओ पे। अब यहां पर होगा क्या, जितनी भी रेज जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जब वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जाकर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, एक चीज ध्यान रखिए, जब इंटरफेयर करेगी डिफ्रेक्शन के अंदर भी इंटरफेरेंस वाले कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, इंटरफेरेंस क्या बोलता है, जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा मेरे पास तो मेरे को क्या मिलता है मैक्सिमा, है ना, जीरो लैम्ब्डा टू लैम्ब्डा थ्री लैम्ब्डा, और उसके बाद में अगर पार्ट डिफरेंस मेरे पास क्या हो लैम्ब्डा बाय टू का और मल्टीपल लैम्ब्डा बाय टू थ्री लैम्ब्डा बाय टू, अरे एक लैम्ब्डा बाय टू डेढ़ थ्री लैम्ब्डा बाय टू फाइव लैम्ब्डा बाय टू सेवन लैम्ब्डा बाय टू, इस तरीके से होता है तो मेरे को क्या मिलता है मिनिमा मिलता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या बहुत सारी रेज है, तीन नहीं है बहुत सारी है, हजारों रेज पैरेलल जा रही है, तो जब वो सब मिलेगी एक साथ तो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा सबकी पार्ट की लेंथ अगर आप देखोगे क्या आएगी मेरे पास इक्वल आएगी, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, इसलिए यहां पर तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर आपको हमेशा क्या मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, जैसा कि इंटरफेरेंस के अंदर आपको मिला था, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन की, डिफ्रेक्शन के लिए डिफ्रेक्टेड रेस की बात करते हैं। अब डिफ्रेक्टेड रेस कौन सी, हाइगन क्या बोला, हर पॉइंट
वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद हर पॉइंट जो होता है वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। यहां पर मेरे पास क्या होंगे, ये सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, इनसे वापस फर्दर क्या होगी, रेस बाहर निकलेगी। तो एक रे में यहां पर बना रहा हूं, ये दिख रहा होगा आपको, है ना, रे बनाने की कोशिश करते हैं अपन यहां पर, बढ़िया शानदार शानदार वाओ। देखो ये रे बना रहा हूं मैं किसी एंगल थीटा के ऊपर, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकली, ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, राइट। तो यहां से भी जो निकलेगी पैरेलल, बिल्कुल थीटा एंगल पर रे ले रहा हूं मैं, ये थीटा एंगल पर ले रहा हूं मैं, तो ये वापस कहां मिलेगी, जब दो रे आपस में पैरेलल होती है, है ना, तो वो फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करती है। इस तरीके से यहां पर भी एक और लोगे आप, ये डिफ्रेक्टेड रेज है, है ना, ये सारी कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ये सब एंगल कितने हैं, थीटा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पी पॉइंट हो गया, तो ये पी पॉइंट, अब इस पी पॉइंट पर मेरे पास क्या होगा, अगर पी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, है ना, जब सेम फेज में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर पी पॉइंट पर अब मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, वो सारी चीजें यहां पर भी अपने को देखनी है। तो उसके लिए मुझे पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, स्लिट का विड्थ यहां से लेके यहां तक, जो स्लिट का विड्थ है वो कितना ले रहा हूं मैं, डी, है ना, स्लिट का जो विड्थ है वो कितना है, क्या एज्यूम किया मैंने, डी, स्लिट का विड्थ कितना लिया मैंने, डी। अब यहां पर अगर आप देखोगे पार्ट डिफरेंस, देखें देखो पार्ट डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको, यहां से मतलब मेरे पास कौन सी, सपोज ये वाला वन पॉइंट है और ये मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए और सी से निकलने वाली रे के बीच का पार्ट डिफरेंस ये अपने निकाला है यार, बहुत बार कर करके थक गए अपन। ये रेज जो है वो कौन सी, डिफ्रेक्टेड रेज, इसको अपन डिफ्रेक्टेड रेज बोल दो आप, ये है ना डिफ्रेक्टेड रेज बोल सकते हैं अपन, और जो थीटा है ना, थीटा एंगल पर जो डिफ्रेक्टेड रेज है, तो एक ये थीटा वेरी हो सकता है, तो कुछ रे 30 डिग्री पे गई, कुछ रे 25 डिग्री पे गई, कुछ रे 20 डिग्री पे गई, तो जब ये बहुत सारी रेस का जो बंच होगा जब एक साथ यहां पर मिलेगा तो कभी मिनिमा बनाएगा कभी मैक्सिमा बनाएगा, तो वही पैटर्न अपने को यहां पर मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं पाथ डिफरेंस, देखो यहां पर मैं क्या चीज लिखने वाला हूं, एक तो मैं लिखने वाला हूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी से निकलने वाली रे के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो, ये दिस इज द पाथ डिफरेंस, है ना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा थीटा, तो ये पार्ट डिफरेंस जो आएगा डेल्टा एक्स, उसको मैं लिख रहा हूं वो जो आपका ज्योमेट्री से आएगा, ये आएगा मेरे पास डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस याद होना चाहिए, क्या आएगा मेरे पास, ये डी साइन थीटा, राइट। अब यहां से मेरे पास पोजिशन ऑफ मिनिमा है ना, यहां से मेरे पास क्या निकल गया, पोजिशन ऑफ मिनिमा की बात करें अपन, पोजिशन ऑफ या कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, जो कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होती है वो याद रखेंगे आप, यहां पर क्या आती है कंडीशन ऑफ मिनिमा की, जो पाथ डिफरेंस जो होगा वो उसमें उल्टा डिफ्रेक्शन के अंदर उल्टा होता है ना, इंटरफेरेंस का उल्टा होता है। कंडीशन ऑफ मिनिमा जो आती है वो क्या आती है मेरे पास, डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, एल लैम्डा, कंडीशन ऑफ मिनिमा याद रखेंगे आप यहां पर, बाकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कैसे आता है। कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस किसके बराबर, पाथ डिफरेंस मतलब डी साइन थीटा, है ना, डी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर थीटा जनरली अपन स्मॉल लेते हैं, थीटा अगर स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा अगर आप देखोगे यहां पर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास एन लैम्डा अपॉन डी, एन लैम्डा अपॉन डी। तो यहां से ये जो थीटा निकला है, ये थीटा मुझे क्या देगा, मतलब इस थीटा एंगल के ऊपर जो भी रेज जाएगी और जब पी पॉइंट पर मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, मिनिमा, जब थीटा मेरे पास ये होगा एन लैम्डा बाय डी से अपन जब थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और यहां से मुझे ये क्या देगा, दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन ऑफ एंथ मिनिमा, दिस इज पोजीशन ऑफ एंथ मिनिमा, है ना, ये क्या मेरे पास पोजीशन ऑफ, इनफैक्ट एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ एंथ मिनिमा। अब मुझे यहां पर अगर फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन निकालनी है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, अब देखो फर्स्ट मिनिमा इसमें भी अलग अलग बनेंगे मेरे पास, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, है ना, सपोज एक एंगल पर मेरे पास फर्स्ट मिनिमा बना तो दूसरे एंगल पे जो रेस जा रही है वो सेकंड मिनिमा बनाएगी, तीसरे एंगल पे जो जा रही है रेस वो थर्ड मिनिमा बनाएगी, इस तरीके से अलग अलग एंगल पे जाने वाली रेस अलग अलग मिनिमा बनाएगी। तो यहां पर फर्स्ट मिनिमा जो बनेगा वो क्या है, थीटा वन, तो थीटा वन इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा अपॉन डी, दिस इज व्हाट, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा,
इसी तरीके से मैं थीटा टू अगर मैं लिखू, थीटा टू मतलब एन की वैल्यू टू, ये हो जाएगा मेरे पास टू लेमड़ा बाय डी। ये देखोगे आप, ये क्या आएगा मेरे पास, एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड मिनिमा, राइट। तो इस तरीके से सारे मिनिमा की पोजिशन आ जाएगी मेरे पास, अलग अलग पोजिशन आ जाएगी, राइट। तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, बस एंगुलर पोजिशन एन लेमड़ा बाय डी, ये अच्छे से याद कर लेंगे आप। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीन शॉट ले लें इसका आप। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट मेरे पास क्या, अभी अपन देखी थी कंडीशन ऑफ मिनिमा, है ना। कंडीशन ऑफ मिनिमा आपके पास क्या आई थी कि डी साइन थीटा पार डिफरेंस जो था वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब इसकी कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब क्या हो गया, सेंट्रल में मैक्सिमा बन गया, उसके बाद में वापस फर्दर मिनिमा मैक्सिमा जो बनते हैं उसके बाद वाले जो मैक्सिमा होते हैं उसको अपन सेकेंडरी मैक्सिमा, सिंपल मैक्सिमा बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। इसमें उल्टा होता है ना, इसमें उल्टा होता है, या सिंपल आपके पास क्या हो गया, डी साइन थीटा, अगर आप लिखोगे डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, है ना। यहां से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पास कंडीशन हो जाएगी यहां से। अगर अगर मेरे पास एंगल स्मॉल है ना, अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा यहां से क्या लिखोगे आप, है ना, थीटा डैश लिख रहा हूं मैं इसको, ये थीटा डैश, थीटा डैश जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज व्हाट एंगुलर पोजीशन, दिस इज व्हाट एंगुलर पोजीशन, दिस इज व्हाट एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। n की वैल्यू अगर यहां पर क्या करोगे, वही n की वैल्यू अगर यहां पर क्या पुट करूंगा, तो पहला मैक्सिमा मेरा कब आएगा, पहला मिनिमा कब आया था मेरे पास, लेमड़ा बाई डी के ऊपर, है ना। फर्स्ट मिनिमा ही आता है आपके पास में, तो पहला मिनिमा आया था लेमड़ा बाई डी के ऊपर। तो अगला वापस क्या, हाफ हाफ जोड़ते जाओ, तो एन इक्वल टू वन से स्टार्ट करोगे, तो एन इक्वल टू वन पुट करोगे आप, है ना, एन इक्वल टू वन पुट करोगे तो थीटा, तो पहला थीटा वन डैश के लिए पहला यहां पर एन की वैल्यू जो है मेरे पास क्या हो गई, वन टू एंड सो ऑन चलेगी मेरे पास, है ना। वन पुट करोगे तो यह आ जाएगा मेरे पास थ्री बाय टू लेमड़ा बाय स्मॉल डी। This is what angular position of, this is what अभी लिखा था अपन ने, this is what angular position of first maxima। और अगर मैं theta 2 dash अगर मैं लिख लूं तो ये हो जाएगा theta 2 dash, मतलब n की वैल्यू 2, 2 टू जा 4 प्लस 1, 5 बाय 2, 5 बाय 2 lambda by d। This is what मतलब theta 1 dash पे बहुत सारी रेज जाएगी, थीटा वन पे बहुत सारी रेज गई जो मुझे क्या बना रही थी, फर्स्ट मिनिमा दे रही थी, फिर थीटा टू पे बहुत सारी रेज गई वो सब मिलके क्या दे रही थी मुझे, सेकंड मिनिमा दे रही थी। थीटा वन डैश एक और मतलब बहुत सारी रेज का बंच है अलग अलग एंगल्स पर, तो कुछ एंगल पर जा रही है वो मिनिमा बना रही है, कुछ एंगल पर जा रही है वो मैक्सिमम बना रही है, कुछ एंगल पर जा रही है वो सेंट्रल मैक्सिमा बना रही है। तो इस तरीके से चलता है आपके पास में, राइट। तो यहां से थीटा डैश, दिस इज व्हाट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, राइट। चलो यहां से अपन डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं, जैसे अपन इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया था वैसे ही इंटेंसिटी का यहां पर, बस इसमें यहां पर ध्यान रखेंगे आप इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रेक्शन पैटर्न में एक डिफरेंस क्या है, यहां पर इंटेंसिटी जो होती है एक याद रखना है आप, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ज्यादा आती है किससे, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा से हमेशा ज्यादा आती है। इसका रीजन ये होता है आपके पास में, बिकॉज इसको अगर डिटेल में देखेंगे बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, बाकी एक्चुअल में थोड़ा सा सुन ले आप, रीजन एक्चुअल में होता क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा जब अपन कंडीशन निकालते हैं तो वहां पर जो भी इंटेंसिटी आती है दैट इज कंक्लूडेड बाय, अगर आप देखोगे ऑड नंबर ऑफ, ऑड नंबर ऑफ स्लिट्स, मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे आया, थ्री बाई टू लेमड़ा बाय डी, ये मेरे पास पोजिशन है, तो यहां पर लेमड़ा बाय टू, लेमड़ा बाय टू, लेमड़ा बाय टू के तीन पार्ट है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लेमड़ा बाय टू के थ्री पार्ट है, यहां पर लेमड़ा बाय टू के कितने, फाइव पार्ट है। तो जब भी ओड नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं लेमड़ा बाय टू के तो मेरे पास मैक्सिमा आता है, तो ओड नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या होगा, दो दो पार्ट, जैसे मेरे पास तीन पार्ट लेमड़ा बाय टू के हैं तो दो पार्ट मिलकर तो मेरे को क्या दे देंगे, मिनिमा बना देंगे, दो लेमड़ा बाय टू, दो लेमड़ा बाय टू के जो स्लिट के जो पार्ट होंगे वो मुझे क्या बना के देंगे, मिनिमा, वो मुझे क्या बना के दे देंगे, मिनिमा, मतलब उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जो तीसरा पार्ट लेमड़ा बाय टू बचा दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट सम इंटेंसिटी। द सेम वे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा देखोगे उसमें वही स्लिट जो है वो लेमड़ा बाय टू के फाइव पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट मैक्सिमा के अंदर वही स्लिट जो है वो लेमड़ा बाय टू के थ्री पार्ट में डिवाइडेड, इसको डिटेल में लूंगा मैं। जब ये फाइव लेमड़ा बाय टू के फाइव पार्ट में डिवाइडेड है तो फोर पार्ट जो होंगे वो तो कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फोर पार्ट में दो पार्ट तो आपस में मिल गए, है ना, लेमड़ा बाय टू का पार्ट डिफरेंस आया,
दूसरे वापस दो पार्ट के अंदर लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आया, बचा क्या फिफ्थ 1/2, फिफ्थ जो पार्ट है 1/5 पार्ट ऑफ द स्लिट जो है सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करता है इंटेंसिटी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इंटेंसिटी धीरे धीरे डाउन होती है। और अगर मैं एक और लाइन लिखूं यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ जो सेकेंड मैक्सिमा जो होता है वो हमेशा लेस देन आएगा, या फर्स्ट मैक्सिमा जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा जो होता है हमेशा ज्यादा होता है इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटेड बिकॉज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये क्या होती है, कंट्रीब्यूटेड बाय 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट। और जबकि यहां पर कंट्रीब्यूशन होता है, यहां पर कंट्रीब्यूशन होता है कंट्रीब्यूटेड बाय 1/5 पार्ट ऑफ द स्लिट, उतने ही पार्ट से इंटेंसिटी कॉन्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। यहां से देखो तो कर्व, अगर मैं इंटेंसिटी का कर्व अगर मैं प्लॉट करूं यहां पर, है ना, इंटेंसिटी वर्सेज थीटा, एंगुलर पोजीशन है, थीटा के बीच का कर्व है, तो यहां पर बनाओगे आप, ये मेरे पास क्या आ गया, ये सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया, उसके बाद अगला जो आएगा वो छोटा आएगा, उसका अगला आएगा और छोटा आएगा, ये से इसमें अगर आप देखोगे, है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, ये इस तरीके से चलेगा और आगे वापस रिपीट होगा, सेम इधर भी आ जाएगा, सेम इधर भी मुझे मिलेगा, अरे जगह ही नहीं बची रे मेरे लाल, ये थोड़ा समझ जाएंगे आप, राइट, ये इस तरीके से। अब यहां पर देखोगे ये सेंटी मेरे पास जीरो हो गया, ये फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन क्या आया था, मेरे पास थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी आया था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लैम्डा बाय डी। फिर ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां आया था, 3/2 पे, ये हाफ, ये वन, ये हो गया 3/2 लैम्डा बाय डी। फिर ये सेकंड मिनिमा है ना, ये मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा कहां आएगा मेरे पास, 2 लैम्डा बाय डी पे। और वापस सेकंड मैक्सिमा मेरे पास कहां आ गया, सेकंड मैक्सिमा कहां आ गया, ये देखो, 1, 1.5, 2, 2.5 मतलब 5/2, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। ये इस तरीके से इंटेंसिटी डाउन होती है, ये अपने क्लियर हो गया, राइट। अब देखें यहां पर, अब मुझे यहां पर निकालनी एंगुलर विड्थ। अब मुझे अगर पूछे आपको इस तरीके से, इधर देखोगे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस लेमड़ा बाई डी, और इधर देखोगे ये मेरे पास कितना आ गया, 3/2 माइनस 3/2 लेमड़ा बाई डी, राइट, ये हो गया मेरे पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहां पर देखो निकालना, अगर मुझे निकालना एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसका एंगुलर विड्थ निकालना है, एंगुलर विड्थ मतलब एंगल का डिफरेंस, ये एंगल, ये एंगुलर विड्थ हो गई इसकी, क्योंकि ये क्या एंगुलर पोजिशन है, तो दो एंगल की पोजिशन का डिफरेंस मतलब लेमड़ा बाई डी माइनस, तो ये ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं किससे लिख रहा हूं, जो भी है यार, थीटा से लिख लो आप एंगुलर विड्थ को, थीटा सी एम, ये मेरे पास क्या आएगा, लेमड़ा बाय डी माइनस माइनस लेमड़ा बाय डी, तो थीटा सी एम जो आ गया उसको मैंने क्या बोल दिया, 2 लेमड़ा बाय डी, ये सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ आ गया। मेरे को सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालना है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ देखो, 2 माइनस 1, तो क्या आएगा, सिंपल लेमड़ा बाय डी, तो ये आएगा मेरे पास थीटा ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये आएगा मेरे पास 2 लेमड़ा बाय डी माइनस लेमड़ा बाय डी, तो थीटा सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया मेरे पास कितना, लेमड़ा बाय डी, ये आ गया। इन दोनों कंपेयर करो देखो 2 टाइम्स आता है, तो थीटा सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा सेकेंडरी मैक्सिमा, ये हो गया। उसके बाद देखें आप मिनिमा, मिनिमा का मेरे पास विड्थ देखना है, क्या कहते हैं, मिनिमा का एंगुलर, मिनिमा का एंगुलर, एंगुलर सेपरेशन, अगर मैंने मैक्सिमा के लिए दो मिनिमा लिए तो मिनिमा है ना, मेरे पास मिनिमा, मिनिमा का विड्थ देखना है, समझे आप इसको, मैक्सिमा के लिए मैंने दो मिनिमा लिए, तो ये जो मिनिमा आ रहा है उसके लिए दो मैक्सिमा ले लूंगा मैं, तो दो मैक्सिमा मेरे पास क्या आ गए, ये दो मैक्सिमा आ गए, तो दो मैक्सिमा का सेपरेशन कितना, 5/2 माइनस 3/2 मतलब ढाई हो गया, 2.5 माइनस 1/2 ये मेरे पास आ जाएगा, मतलब इसको कैसे लिखोगे आप, मिनिमा एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा थीटा एम लिख रहा हूं इसको मैं, ये हो जाएगा मेरे पास 5/2 लेमड़ा बाय डी माइनस 3/2 लेमड़ा बाय डी, तो देखो थीटा एम इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 5 माइनस 3 2 2/2 1, तो ये आ जाएगा सिंपल लेमड़ा बाय डी। तो देखो सेकेंडरी मैक्सिमा और दोनों का सेम आता है, कहां गया ये लेमड़ा बाय डी है ना, जो किसके इक्वल है, यहां से देखोगे तो किसके इक्वल है, सेकेंडरी मैक्सिमा के एंगुलर सेपरेशन के बराबर है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, राइट right? चलो उसके बाद है लीनियर विड्थ, जिसको आप फ्रिंज विड्थ एक्चुअल में बोलते हो, फ्रिंज की विड्थ क्या है, ये एंगुलर विड्थ थी मेरे पास, अब एक्चुअल में लीनियर विड्थ जो होती है वो क्या है, लीनियर विड्थ में मैंने बोला था आपको बस कैपिटल डी और आ जाएगा, लीनियर विड्थ में मैंने आपको बोला था अगर याद हो तो कैपिटल डी और लेके आ जाओ तो लीनियर विड्थ हो जाएगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ निकालना है तो मेरे पास क्या हो गया, लीनियर विड्थ को मैं लिख रहा हूं बीटा से, तो बीटा सेंट्रल मैक्सिमा का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी,
इसको करने का तरीका मैंने उसमें बताया था इंटरफेरेंस के अंदर, है ना, सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंडेड जो होता है वो एंगुलर पोजीशन मुझे एंगुलर सेपरेशन देता है, एंगुलर विड्थ देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो बीटा सी, बीटा इक्वल्स टू क्या, बीटा का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो ये क्या होगा, थीटा इंटू डी होता है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, है ना, तो बीटा का फॉर्मूला जो होता है, बीटा इक्वल्स टू होता है थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, थीटा इंटू डी होता है, ये याद रख लेंगे आप, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बीटा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बीटा निकालना है, ये रहा मेरे पास, क्या हो जाएगा, लेमड़ा बाई डी, मतलब क्या करना है, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया मेरे पास, बस डी से मल्टीप्लाई कर दो। और मिनिमा के लिए भी सेम आ जाएगा, सेम बीटा मिनिमा, मिनिमा के लिए भी क्या आ जाएगा मेरे पास, लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया। तो फ्रिंज विड्थ मेरे पास भले डिफ्रेक्शन पैटर्न के अंदर, बस मेरे पास डिफरेंस किसका आ रहा है, सेकेंडरी सेंट्रल मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ है वो मेरे पास टू टाइम्स आता है अगर उधर से कंपेयर करोगे आप इंटरफेरेंस से, राइट, होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, करें, चलो अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, आई लव दिस टॉपिक, वाओ, पोलराइजेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक्चुअल में है क्या है, तो पोलराइजेशन को सीखने से पहले अपन बात करेंगे पहले अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हो गया, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास इस डायरेक्शन में क्या एक रे ट्रेवल कर रही है ना, तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ या वेव ट्रेवल कर रही है, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपागेशन, प्रोपा साला क्या स्पेलिंग बनी, प्रोपागेशन, ठीक है, ये हो गया। अगर पार्टिकल है ना, वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब पार्टिकल के वाइब्रेशन जो है, पार्टिकल के वाइब्रेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, आगे कूदते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे तरीके से जा सकते हैं, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन जो हो वो क्या हो, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स वेव, है ना। तो पार्टिकल के वाइब्रेशन अगर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो, समझे आप, दिस इज वॉट वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर सकता है, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे कर सकता है, मतलब समझे आप, ये सारी डायरेक्शन जो है वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के अंदर वाइब्रेशन है, और ये प्लेन हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो पार्टिकल के वाइब्रेशन क्या हो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर अगर हो, तो उसको अपन बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये इस तरीके से, आपके पार्टिकल के वाइब्रेशन मतलब या तो ऊपर हो या क्या हो, डॉट बना रहे हो आप, है ना, पार्टिकल के वाइब्रेशन, ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, पार्टिकल के वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, पार्टिकल के वाइब्रेशन, मैंने क्या बोला, प्लेन के अंदर, सपोज ये मेरे पास क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, है ना, ये प्लेन हो गया जो कहां पर है, जो परपेंडिकुलर है किसके, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये परपेंडिकुलर है, प्लेन जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, तो वाइब्रेशन क्या होंगे सभी डायरेक्शन में, ये ऐसे ऐसे, मतलब ये सारे के सारे वाइब्रेशन जो इस प्लेन के अंदर बना है, और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो किसको, अनपोलराइज्ड लाइट को, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपने पास व्हाइट लाइट, सनलाइट, सनलाइट इसका एग्जांपल हो गया, है ना, सनलाइट क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। उसके बाद पोलराइज्ड लाइट की बात करें, पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हो गया, अगर पार्टिकल के वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन में क्या कर दूं, मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन क्या हो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर तो हो, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो, जैसे मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, डायरेक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, या तो मैं इस डायरेक्शन में हो या सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो, तो या फिर किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से, ये। तो दो तरीके से आप पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से आप अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज व्हाट पोलराइजेशन। अब अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट करना, इसका मतलब इन वाइब्रेशन के अलावा बाकी सारे वाइब्रेशन को मैंने रोक दिया है,
और सिर्फ यही वाले वाइब्रेशन मेरे को आउटपुट में अगर मिले तो वो प्रोसेस क्या हो गया मेरे पास, पोलराइजेशन। मतलब यू आर रेस्ट्रिक्टिंग, मतलब रेस्ट्रिक्टिंग, इसका मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टिंग है ना वाइब्रेशन इन ओनली वन डायरेक्शन है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, या अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करना पोलराइज्ड लाइट के अंदर, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये समझ में आ गया आपको है ना, ये प्रोसेस होता है। करने वाला कौन, करने वाला पोलराइजेशन करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपन पोलराइजर, उसको क्या बोलते हैं अपन पोलराइजर। और पोलराइजर के जो एग्जांपल होते हैं वो क्या है, पोलरॉइड, पोलरॉइड, और क्या बोल सकते, पोलरॉइड हो गया, आगे देखेंगे निकोल प्रिज्म हो गया, निकोल प्रिज्म, ये अलग अलग एग्जांपल्स है, क्वार्ट्स, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है ये। अब एक्चुअल में इसकी खास बात क्या, पोलराइजर की जो खास बात होती है वो क्या होती है, पोलराइजर के आउटपुट में वही वाइब्रेशंस आते हैं। मतलब सपोज ये, इसको ये मैंने बताया, सपोज ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, ये मैंने क्या बनाया, दिस इज व्हाट पोलराइजर, ये कौन है, ये पोलराइजर है, ये कौन है, पोलराइजर, ये पोलराइजर है, और इसको अपन बोलते हैं जो लाइन बनाई है, दिस इज व्हाट ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर है। अब पार्टिकल के, पार्टिकल के वाइब्रेशन क्या है मेरे पास, ये अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट है ना, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही बढ़िया शानदार सदर, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का मजा आ रहा है। देखो देखो जल्दी देखो, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, पार्टिकल के वाइब्रेशन डिचुक 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 डिचुक, दोनों तरह के वाइब्रेशन है, ऊपर भी है और अंदर भी है। पोलराइजर की खास बात क्या होती है, ये उन्हीं वाइब्रेशन को आउटपुट में अलाउ करता है जो वाइब्रेशन इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल कौन सा वाइब्रेशन है, ये वाले, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, मतलब इसके आउटपुट में कौन सा वाइब्रेशन आएंगे, सिर्फ ये वाले आएंगे, समझ में आ रहा है ये। तो ये मेरे पास क्या हो गई, अनपोलराइज लाइट हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई, पोलराइज लाइट हो गई, समझ में आ रहा है। अगर मेरे पास क्या हो, ये मतलब शीट, ये मतलब शीट होती है, पोलराइजर एक शीट होती है, पोलराइड की एक शीट होती है, आपने पोलराइड चश्मे पहने होंगे, उसके अंदर भी वही होता है, पोलराइड चश्मे पहने। अब यहां पर सोच के देखें आप, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी पोलराइज लाइट से हमेशा ज्यादा आएगी, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, इसके अंदर कम है। तो ना यहां से एक और चीज लिख सकते हो आप, कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, समझ में आ गया। तो ये पोलराइड हो गया। अब सोच के देखो, अगर मैंने इस पोलराइड को ऐसे घुमा दिया होता, ये पोलराइड, ये पोलराइजर ऐसा है, तो इधर वाले, ये वाले जो वाइब्रेशन है वो इधर आ गए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं 90 डिग्री से, तो अब ये वाले जो होंगे ये पास नहीं होंगे, सोच के, क्योंकि इसका क्योंकि अब ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा हो गया है, तो अब ये वाले वाइब्रेशन, ये वाले जो वाइब्रेशन है, सिर्फ वो वाले वाइब्रेशन आउटपुट में दिखेंगे, तो ये वाले वाइब्रेशन आएंगे सिर्फ आउटपुट में, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, तो ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होगा तभी पास होंगे। उसके बाद देखें आप, इंटेंसिटी एट आउटपुट ऑफ पोलराइजर, आउटपुट ऑफ पोलराइजर, मतलब मेरे पास ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, राइट, पोलराइजर के इनपुट में है ना, इनपुट में अगर मेरे पास सपोज ये पोलराइजर के इनपुट में क्या है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी में बोलता हूं कितनी, सपोज आई, तो आउटपुट में कितना पहुंचा, पोलराइज लाइट आ गई आउटपुट में, तो आउटपुट में जो इंटेंसिटी होती है वो इनपुट की हमेशा कितनी हो जाती है, आधी। ये हमेशा याद रखेंगे, इसका डेरिवेशन है आपके पास में, डायरेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, पर याद रखेंगे आधी हो जाती है, अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट, पोलराइजर के आउटपुट में क्या होगी, हाफ इंटेंसिटी आएगी इनपुट की, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पोलराइजर एट क्रॉस पोजिशन, पोलराइजर एट क्रॉस पोजिशन, क्रॉस पोजिशन का मतलब क्या हो गया, कि इफ सपोज मेरे पास एक, ये मेरे पास एक पोलराइजर है और एक और पोलराइजर बनाता हूं मैं, ये ये, मतलब ये एंगल मेरे पास क्या है, मतलब इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दिया, ये 90 डिग्री, दो पोलराइजर है ना, दोनों को क्या है, तो ये जो पोलराइजर वन है, ये पोलराइजर वन, ये पोलराइजर टू, तो ये P1 एंड P2 जो होंगे वो क्या होंगे, P1 एंड P2 एट क्रॉस पोजिशन, मतलब
अगर दो पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो अपन क्या बोलते हैं, वो दोनों पोलराइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ए क्रॉस पोजिशन में होते हैं। समझ में आ गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पास लॉ ऑफ मेलस, इसमें न्यूमेरिकल सीधा मैं सारी चीजें बता रहा हूं, आप ऐसे खत्म कर दोगे क्वेश्चन को। देखो लॉ ऑफ मेलस, मालू क्या बोलता है, मालू नहीं है मेलस है, मेलस। लॉ ऑफ मेलस क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास क्या है, एक पोलराइजर है, ये मेरे पास क्या है, एक पोल, ये मेरे पास पोलराइज लाइट है, ये याद रखेंगे आप, ये पोलराइज लाइट है और दूसरा ये मैं पोलराइजर जो बना रहा हूं ये एंगल थीटा है, ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा। मतलब थीटा, थीटा क्या है मेरे पास, एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड वाइब्रेशन एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट के जो वाइब्रेशन है ना, के वाइब्रेशन का इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ में एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और एंगल थीटा आपको दिख रहा होगा, थीटा। तो इंटेंसिटी एट द आउटपुट, ये मेरे पास क्या हो गई, इंटेंसिटी आउटपुट पे हो गई, और इधर मैं बोल रहा हूं इंटेंसिटी सपोज ये इनपुट पे हो गई, या है ना, तो इंटेंसिटी एट द आउटपुट जो होती है, इंटेंसिटी एट द आउटपुट ऑफ पोलराइजर इज इक्वल्स टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इनपुट में जो भी इंटेंसिटी है उसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहां बोल सकते हो आप आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है, सोच के देखें, अगर इसको मैं 90 डिग्री पे घुमा दूं तो ये वाले वाइब्रेशन कभी भी आउटपुट में नहीं आएंगे, है ना, थीटा मतलब क्रॉस पोजीशन हो गई। तो क्रॉस पोजीशन में अगर मैं क्रॉस पोजीशन की बात करूं, क्रॉस पोजीशन मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब इंटेंसिटी एट द आउटपुट ऑफ पोलराइजर क्या हो जाएगी, जीरो। इनपुट में पोलराइज लाइट है, याद रखेंगे आप, समझ में आ रहा है, तो ये मेरे पास इंटेंसिटी जीरो क्रॉस पोजीशन पे। अगर दोनों पैरेलल हो गए तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। याद, इस पर एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको एकदम शिद्दत से, बहुत शानदार क्लियर हो जाएगा एक चीज आपको। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, नेक्स्ट करें, 1 2 3 4 हाँ आ गए क्या, अच्छा यही हो, हाँ चलो इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, है ना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, क्या दिया हुआ है कि P1 एंड P2 आर ये पोलरॉइड से, P1 P2 दो पोलरॉइड है, आर एट क्रॉस पोजिशन, मतलब दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, एंड P3 एट 30 डिग्री फ्रॉम P3 जो है वो क्या है, 30 डिग्री पर है किससे, P1 से। फाइंड इंटेंसिटी एट आउटपुट ऑफ P1 P2 एंड P3 इफ आई नॉट इज द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ P1। देखो मतलब क्या बोल रहा है, अगर मैं तीन पोलराइड बनाऊं, देखो एक पोलराइड तो मेरे पास इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये हो गया, ये मेरे पास पोलराइड P1, एक दूसरा पोलराइड जो है वो कितने एंगल पर है, या इसको अगर मैं ढंग से बना लूं, इसको ऐसे 90 डिग्री शो करने के लिए, है ना, एक मेरे पास ये पोलराइड हो गया, ये इसे 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री ऐसे बना देता हूँ मैं, समझने के लिए, है ना, समझने के लिए थोड़ी सी फील आ जाएगी आपको, और कुछ नहीं है ना। P1 से जो मेरा P3 है, ये मेरे पास क्या है, P3 का ट्रांसमिशन एक्सिस कितने एंगल पर है, क्रॉस पोजिशन में, मतलब 90 डिग्री हो गया, और P3 जो है वो 30 डिग्री है कहाँ से, P1 से, मतलब P1 से जो P3 है, ये P3, ये सॉरी ये P2 है और ये P3 कितने एंगल पर है, ये P1 के ट्रांसमिशन एक्सिस ये रहा, उससे कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर है, मतलब ये मेरे पास, समझने की कोशिश करें आप, ये हो गया मेरे पास थर्ड पोलराइड, है ना। इसके फ्रंट में अगर आई नॉट इंटेंसिटी है तो मुझे इंटेंसिटी निकालनी है कहां पर, P1 के आउटपुट पे, P2 के आउटपुट पे, सॉरी P1 के आउटपुट पे, P2 के आउटपुट पे और P3 के आउटपुट पे इंटेंसिटी निकालनी है फाइनल। अब देखिए सोचें आप, अब आई नॉट यहां पर मेरे पास क्या अनपोलराइज लाइट है, यहां पर जो है वो क्या है, अनपोलराइज लाइट है। तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, पोलराइजर के इनपुट पे अगर अनपोलराइज लाइट होगी तो आउटपुट में क्या आएगा, इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये वाला पोलराइड जो इससे कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर है, जब भी दो
अब यहां पर मेरे पास क्या, अब इसके आउटपुट में वाइब्रेशन कौन से आएंगे, इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाले वाइब्रेशन आएंगे, तो यहां पर वाइब्रेशन देखोगे कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे। अब ये वाले वाइब्रेशन अगर मेरे पास पार्टिकल का वाइब्रेशन और पोलरॉइड के बीच में एंगल अगर कुछ है, तो इंटेंसिटी एट द आउटपुट अगर मैं लिखूं यहां पर, तो वो कितनी आएगी, इनपुट की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो आई टू आएगा वो क्या आएगा, इनपुट की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यही वाले हैं और पास एक्सिस ट्रांसमिशन एक्सिस पोलराइड का कितना 30 डिग्री पर है, तो कॉस स्क्वायर 30, तो फाइनली ये आ जाएगा आई वन तो हो गया आई नोट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 मतलब रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर 3/4, तो ये हो जाएगा तेरा आई नोट बाय टू इंटू 3/4, ये हो जाएगा 3 I0/8। यार कैलकुलेशन देख लेना भाई, यार पता नहीं क्या हो जाए, माफ करना मेरे को। अब देख यहां पर, अब मेरे पास क्या हो रहा है, अब यहां से इसके आउटपुट में वाइब्रेशन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे, सोच के देख, ये वाले वाइब्रेशन आएंगे। अब इन वाइब्रेशन से मतलब ये वाले वाइब्रेशन, ये इन वाइब्रेशन से इस पोलरॉइड का एंगल कितना है, सोच के देख कितना, ये 30 था तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो वापस इसके आउटपुट पे अगर मुझे इंटेंसिटी लिखनी है, उसको मैं आई थ्री बोल देता हूं, वो कैसे निकालोगे, इसके इनपुट पे इंटेंसिटी कितनी, आई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एंगल, जो एंगल होता है वो पोलरॉइड का ट्रांसमिशन एक्सिस और इनपुट पे जो पार्टिकल के वाइब्रेशन है उसके बीच का एंगल होता है, और वो एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो फाइनली तेरे पास कितना आ गया, यहां से अगर आप देखोगे आई टू तो है मेरे पास 3 I0/8 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 60, कितना हो गया 1/4, ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, दोनों याद रखेंगे आप, चलो बहुत बढ़िया शानदार। नेक्स्ट देखिए आप पोलराइजेशन मेथड्स, पोलराइजेशन कैसे किया जाता है वो मेथड्स, तो दो मेथड, एक बाय स्कैटरिंग और एक है बाय रिफ्लेक्शन, है ना, ज्यादा ज्यादा मेथड आपके डिस्कस किए हुए नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं पर दो मेथड अपने को ध्यान रखना है। स्कैटरिंग मेथड क्या, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, अब्सॉर्ब करके रीरेडिएट करना। तो सपोज मेरे पास ये अनपोलराइज्ड लाइट है, है ना, ये मेरे पास क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है, मेथड्स मतलब मुझे पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, और ये मेरे पास क्या है, सपोज ये पार्टिकल पी है, तो स्कैटरिंग मेथड क्या बोलता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसी डायरेक्शन में जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो लाइट जो होती है वो मेरे पास क्या बन जाती है, पार्शली पोलराइज्ड, पार्शली पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पार्शली पोलराइज्ड लाइट, लेकिन इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में हमेशा मुझे पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ये स्कैटरिंग का मेथड होता है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, या तो ये होगी या फिर ये, सपोज अगर मेरे पास ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन मेरे पास क्या हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया, तो ये दो ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। तो वाई डायरेक्शन में कौन से वाइब्रेशन पास होते हैं, वाइब्रेशन विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाले वाइब्रेशन, सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन पास होंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पोलराइज लाइट। और इधर कौन से वाइब्रेशन पास होंगे, दूसरे वाले वाइब्रेशन, अगर जेड डायरेक्शन में देखूंगा तो दूसरे वाले वाइब्रेशन कौन से, ये वाले, ये वाले, ये वाले इधर पास हो गए, इधर कौन से पास होंगे, ये वाले वाइब्रेशन, ये वाले वाइब्रेशन, तो ये भी मेरे पास क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी, ये मेरे पास क्या होगी, पार्शली पोलराइज। मतलब स्कैटरिंग मेथड क्या बोलता है कि इंसिडेंस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सिस है, जो भी डायरेक्शन है, सिर्फ वही मुझे पोलराइज लाइट मिलेगी और बाकी डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगी, पार्शली पोलराइज लाइट मिलेगी। ये मेरे पास क्या हो गया, मेथड बाय स्कैटरिंग हो गया, समझ में आ गया, ओनली परपेंडिकुलर। यहां पर क्या लिखना चाहता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी बबुआ, चलो समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा मेथड है बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाला मेथड क्या बोलता है, सपोज मेरे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम हो गया, एक स्लैब है, स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता है म्यू, यहां पर मेरे पास इंसिडेंट जो रे, इंसिडेंट जो वेव है वो कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल, IPL स्टार्ट होने वाला है भाई, यूपी अनपोलराइज लाइट। तो रिफ्लेक्शन मेथड क्या बोलता है, अगर इस अनपोलराइज लाइट को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिसको मैंने क्या नाम दिया आईपी, उसका नाम क्या है आईपी, आईपी उसको अपन कभी कभी किसी बुक के अंदर आईबी भी मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग और ब्रूस्टर्स एंगल, बी इसलिए लिखा है मैंने, ब्रूस्टर भाई एक साइंटिस्ट था, ब्रूस्टर्स एंगल है ना, इस एंगल पर अगर किसी अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो क्या होती है, पोलराइज लाइट होती है।
और वाइब्रेशन वही होंगे, वाइब्रेशन जो होंगे वो कौन से होंगे, वाइब्रेशन हमेशा कौन से, परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन कौन से जाएंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, वाइब्रेशन कौन से है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, या इंसिडेंट डायरेक्शन का जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशन ही पास होंगे, तो वो लाइट जो बनेगी मेरे पास क्या होगी, पोलराइज लाइट, और जो ट्रांसमिटेड रे जो है वो क्या होगी, पार्शली पोलराइज लाइट, ये ट्रांसमिटेड बोल दो या रिफ्रेक्टेड बोल दो, वो हमेशा क्या बन जाएगी, पार्शली पोलराइज लाइट बन जाएगी। और इस एंगल पर जब इंसिडेंट करवाते हो तो पोलराइज लाइट और रिफ्लेक्टेड पार्शली पोलराइज लाइट उसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, राइट, उसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां से देखो एक और ये याद रखना है आपको, अब यहां से देखो कि अगर ये पूरा एंगल मेरे पास देखो कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आईपी होगा। अब आईपी और आर का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सोच के देखें अगर ये 90 है ना, ये रिफ्लेक्शन का मेथड है, ये सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, तो आईपी और आर का सम कितना आ जाएगा, आईपी प्लस आर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, याद रखना है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ही है, ठीक है, ये सिंपल मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, याद रखना है फैक्ट्स, है ना, ये 90 डिग्री दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड 90 डिग्री पर, आईपी और आर का सम 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहीं से एक रिलेशन निकाल के आते हैं, 10 आईपी, एक रिलेशन निकल के आता है 10 आईपी इक्वल्स टू म्यू, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ। यहीं से एक रिलेशन निकल के आता है 10 आईपी इक्वल्स टू म्यू, कुछ नहीं, स्लैश लॉ लगाओ आप, साइन आईपी अपॉन साइन आर, साइन आर को लिख दिया मैंने क्या, 90 माइनस आईपी, तो क्या बन जाएगा, 10 आईपी, तो 10 आईपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होगा, हमेशा सराउंडिंग में एयर है, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 आईपी, ये मेरे पास क्या होता है, ब्रूस्टर्स एंगल होता है, ए ब्रूस्टर्स लॉ, राइट। उसके बाद देखिए आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट, तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट का मतलब क्या हो गया, इसको अच्छे से समझना, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है और पार्टिकल के वाइब्रेशन, ठीक है, पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब देखो पार्टिकल के वाइब्रेशन, ये जनरली कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है, अगर ई वेक्टर जो है वो क्या इस तरीके से वाइब्रेट करे, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और इसके वाइब्रेशन क्या हो रहा है, आगे वाले पार्टिकल को जो वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो इस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, समझे आप, ऐसे गोल 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 गोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर क्या चल जाए, घूमता घूम जाए, है ना, पार्टिकल का जो ये इस पार्टिकल का वाइब्रेशन जब आगे ट्रांसफर हुआ तो वो ऐसे ऐसे चलने लगा, फिर इसका आगे ट्रांसफर हुआ तो वो ऐसे ऐसे हिलने लगा, और आगे ट्रांसफर हुआ तो ऐसे ऐसे हिलने लगा, और आगे ट्रांसफर हुआ तो वो अगले वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे हिलने लगा, तो क्या बनाया, आपकी तरफ से देखो क्या बन रहा है, एक सर्कल बनेगा। तो इस तरह की जो पोलराइज, इस तरह की जो लाइट होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, सर्कुलरली पोलराइज लाइट, क्या बोलते हैं, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो उसका प्लेन, अगर प्लेन बनाओगे तो प्लेन बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरा ऐसा आएगा, ये सभी डायरेक्शन में, ये दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ क्या रहती है इसके अंदर, कांस्टेंट रहती है, लेंथ मतलब वाइब्रेशन जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के होंगे, तो क्या बनेगा, सर्कुलर। और यही सोचे अगर मेरे पास इसकी लेंथ अगर मेरे पास क्या हो जाए, पहले इतनी थी, पहले इतना था, आगे जाके छोटा हो जाए, फिर और छोटा हो जाए, फिर वापस बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और छोटा हो गया, अगर वेरिएबल लेंथ आ जाए तो उसका जो प्लेन बनाओगे, उसका प्लेन अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, एलिप्स, है ना, एलिप्स का रेडियस वेक्टर क्या होता है, हमेशा टाइम के साथ में क्या होता है, वेरी होता है, समझ में आया। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट क्या हो गया मेरे पास, उसको अगर आप देखोगे ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हर पोजीशन पर डिफरेंट लेंथ का आएगा, है ना, ई वेक्टर, है ना, ये सब क्या है, सारे के सारे क्या है, ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर की जो लेंथ होगी, लेंथ जो होगी क्या होगी, वेरिएबल होगी। और पार्टिकल के वाइब्रेशन तो आपके पास परपेंडिकुलर आनी है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, चल समझ में आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप आ गए क्या वापस, चलो स्टार्ट करते हैं अपन, बस लास्ट लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर, बस खत्म, खा गए चैप्टर को, चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं अपन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की, देखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो चीजें होती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सपोज मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट, इन दो ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यू आर एबल टू रिजोल्व दिस टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट को दो आप देख पा रहे हो, इसका मतलब यू हैव रिजॉल्व्ड दिस टू ऑब्जेक्ट्स, और उनके बीच का जो सेपरेशन है,
इनके बीच का जो सेपरेशन है, द सेपरेशन, द मिनिमम सेपरेशन, मतलब इनको मिनिमम कितने डिस्टेंस पर रखूं, इनको मिनिमम कितने डिस्टेंस पर रखूं कि ये सेपरेट दिखाई दें, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, उसको बोलते हैं अपन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स, सो दैट बोथ ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली विदाउट एनी मातापोड़ी, विदाउट एनी स्ट्रेन. तो ये होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. क्या होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब? मिनिमम डिस्टेंस, है ना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स टू सी देम क्लियरली, सी देम सेपरेटली, सेपरेटली. ये होता है मतलब, ये पॉइंट, ये मेरे पास क्या हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, राइट. सपोज ये मां की आंख, ठीक है, यहां से देख रहे हो आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को, अगर आप, है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो यहां से, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन, दिस इज डी, दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. कई बार एंगुलर सेपरेशन भी आ जाता है, है ना, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो उसको भी कभी कभी अपन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है. तो डी और थीटा अगर रेडियन में दिया हुआ है तो वो एंगल सबटेंडेड दिया हुआ है, और अगर डी दिया हुआ है इसका मतलब सेपरेशन दिया हुआ है दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का. तो डी और थीटा, तो कई, तो आपको ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, दिस इज व्हाट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. उसके बाद देखिए रिजॉल्विंग पावर. अब तेरी मां की आंख की कितनी एबिलिटी है कि वो देख पा रहा है. अब जरूरी नहीं हर आंख इसको सेपरेटली देख पाए, किसी की आंखें खराब होती है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर डाउन है भाई. इफ दिस आई, इफ दिस मां की आई इज नॉट एबल टू रिजॉल्व दिस टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है. लेकिन अगर ये आंख या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के बीच के सेपरेशन को रिजॉल्व कर पा रहा है, मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है. अब सोच के देखें, जितना कम सेपरेशन पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, फिर भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या आंख अगर उसको रिजॉल्व कर पा रहा है, दोनों को सेपरेटली देख पा रहा है, इसका मतलब उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही अच्छा. जितने कम सेपरेशन को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जज कर पा रहा है उतना ही अच्छा, इसका मतलब जितना कम सेपरेशन उतनी रिजॉल्विंग पावर उतनी अच्छी. मतलब रिजॉल्विंग पावर का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो क्या होगी, हमेशा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होगा हमेशा, राइट. और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, या तो रेडियन इनवर्स, एंगल है तो रेडियन इनवर्स, और डी है तो मीटर इनवर्स. ये मेरे पास क्या आ गया, रिजॉल्विंग पावर आ गया, राइट. उसके बाद बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, भले वो कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप, ये होता है 2μ sin θ, है ना, ये फॉर्मूला होता है 2μ sin θ/λ. मतलब ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, राइट. इसको मुझे सपोज ये मेरे पास माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, ये थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये, दिस इज व्हाट थीटा, दिस इज व्हाट लेंस, ये मेरे पास क्या आ गया, लेंस. अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो वो उसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो लेंस, और अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो लेंस किसका आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है वही तो ऑब्जेक्टिव होता है. तो ये हो गया, तो 2μ मतलब क्या हो गया, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. म्यू जो है वो क्या है, म्यू क्या हो गया मेरे पास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम के अंदर माहौल बना हुआ ये इस सराउंडिंग में जो भी मीडियम है, और लैम्डा अपने को जो भी यहां पर ये यहां से जो माइक्रोस्कोप की तरफ जो रेज जाएगी, है ना, उसका लैम्डा, राइट, वो भी लिख सकते हो आप. तो ये मेरे पास क्या हो, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना अपने. उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या ह्यूमन आई, दोनों का फॉर्मूला अपन सेम यूज करते हैं, ठीक है. तो इसका रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन 1.22λ. ये क्या है मेरे पास, है ना, ये मेरे पास वही दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको रिजोल्व करके देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, है ना, ये दो पॉइंट, समझा, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये रेज यहां से जा रही है मेरे पास, डी, डी इज द डायमीटर ऑफ लेंस, ये लेंस है, डी जो है वो डायमीटर लेंस का है, और 1.22λ अपने को समझ में आ गया, तो रिजॉल्विंग पावर होती है, है ना, औकात पता चलती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, कितनी औकात है, समझ में आ गया. और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकाल सकते कितने, कितना मिनिमम डिस्टेंस को देख सकता है ना, सेपरेशन, इसका उल्टा करके सेपरेशन निकाल सकते हो कि कितने, मतलब अगर मैं इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालू तो 1.22λ/d आएगा, मतलब उतना मिनिमम डिस्टेंस ही वो रिजोल्व कर सकता है,
उतना मिनिमम, अगर उससे कम आ गया इसका मतलब वो रिजोल्व नहीं कर पाएगा, है ना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब एक्चुअल में दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का सेपरेशन, अगर मैं सेपरेशन को बोलू, ये सेपरेशन, सपोज ये सेपरेशन मेरे पास एस है, अगर मैं बोलू एफ एस, अगर ये सेपरेशन इसकी इसके लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से, लिमिट ऑफ इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर मेरे पास ज्यादा आ गया इसके सेपरेशन में, सेपरेशन और भी कम है, तो इसका मतलब कैन नॉट रिजोल्व, कैंट रिजोल्व, देख नहीं सकता उसको सेपरेटली, कभी भी देख नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, सेपरेशन बहुत कम हुआ, सेपरेशन अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से भी कम हुआ, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑलरेडी एक मिनिमम चीज है वो, राइट right? चलो या आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कैंट रिजोल्व, क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट को रिजोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्विंग पावर निकालो, उसका उल्टा करके लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आ जाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर मेरे पास क्या है, इस एस से ज्यादा है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, खत्म। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखें आप क्या है, रिलीज क्राइटेरिया। अब रिलीज क्राइटेरिया क्या है, अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप कैमरा बना रहे हो, सपोज कैमरा बना रहे हो, तो कैमरे को कैसे पता पड़ेगा कि वो कितना मिनिमम देख सकता है, तो मुझे कैमरे को बताना पड़ेगा कि तेरी औकात इतनी है, कि कैमरे को कैसे पता पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट परफेक्टली, उनके बीच दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट है कि नहीं है, वो कैमरे को कैसे पता पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो रेले ने क्राइटेरिया बोला कि टू पॉइंट ऑब्जेक्ट आर जस्ट सेपरेटेड, आर सीन टू बी जस्ट सेपरेटेड, किस कंडीशन में, है ना, समझे आप, इसने क्या दिया कि टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट सेपरेटेड, आर जस्ट, राइटिंग बहुत शानदार है मेरी, आर जस्ट सेपरेटेड, किस कंडीशन में। अब देखो यहां पर मैं क्या बना, डिफ्रेक्शन पैटर्न बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप यहां पर, सपोज ये मेरे पास क्या है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाया मैंने, ये जा रहा है, ये पहले ऑब्जेक्ट का डिफ्रेक्शन पैटर्न आ गया। उसके बाद में अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर लूंगा, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन का पैटर्न आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट का जब मैं पैटर्न बनाता हूं क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मिनिमा है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मिनिमा अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा से कॉन्साइड कर जाए, समझे, देखो डायग्राम बनाना भी समझ में आएगा, ये समझ में आया आपको, है ना, यहां से ये मेरे पास ये आ गया, ये, और इधर से भी आप देखोगे ये यहां पर वापस, मतलब देखो इसको डायग्राम को अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के मिनिमा से, या सेकंड ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मिनिमा से अगर कॉन्साइड कर जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट जो दो ऑब्जेक्ट पास में रखे हुए हैं, दैट दोस टू ऑब्जेक्ट विल एज्यूम टू बी सीन जस्ट सेपरेटली, है ना, उसको आप क्या देख पाओगे, जस्ट सेपरेट देख पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेरे पास कि फर्स्ट मिनिमा ऑफ वन कॉन्साइड्स विद सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकेंड और वाइस वर्सा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोथ जो होंगे वो क्या होंगे, बोथ जो होंगे वो क्या होंगे, आर रिजॉल्व्ड, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व का मतलब क्या है, सेपरेटली देखना, उसको बोलते हैं रिजॉल्व्ड, राइट। तो इस तरीके, और ये मेरा क्या हो गया, रेले का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू का। चलो बहुत बढ़िया, ये पर्दे पर बनेगा, है ना, फोटो खींच रहे हो, एक पूरी तस्वीर होती है, बहुत सारे डॉट डॉट से मिलकर बनी होती है, जब फोटो खींचते हो तो उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आएगा, आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न मेरे रेटिना पे बनता है, रेटिना जो होता है वो पर्दा होता है, वहां पर अपनी इमेज बनती है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ पाया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो बहुत बढ़िया, चलो ये आपका क्या था, डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन को भी अपन ने क्या कर दिया, क्लीन बोल्ड, खत्म हो चुका है डिफ्रेक्शन भी। कल अपन स्टार्ट करेंगे मॉडर्न, और मॉडर्न को कोशिश करके मैं, है ना, इस वीक में तो नहीं, मतलब चार से पांच टर्न मॉडर्न के लगेंगे अपने, चार से पांच टर्न, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे, ड्यूअल नेचर है उसके अंदर, फिर एटम है, न्यूक्लियर है, सेमी कंडक्टर है, नीट के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे को जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन कवर करना पड़ेगा, है ना। सेमी कंडक्टर में दो लेक्चर लगेंगे, कम्युनिकेशन में एक लेक्चर लगने वाला है हार्डली, उसके बाद में आपका एक लेक्चर ड्यूअल नेचर का हो गया, और एक लेक्चर आपका एटम्स का हो गया, फिर न्यूक्लियर हो सकता है, और न्यूक्लियर एक लेक्चर का, तीन चार से पांच लेक्चर के अंदर अपन मॉडर्न पूरा
फिनिश कर देंगे राइट right? सो जो लोग अभी तक आए हैं लास्ट तक, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनको बहुत बहुत नमन, और बस एक और नमन करना चाहता हूं लोगों तक पहुंचा दे यार दोस्त, जिसको जवाब की जरूरत है उस वीडियो को वहां तक पहुंचाए यार, तभी मेरा काम सक्सेसफुल होगा और वहीं से मेरे को एनर्जी का डोज मिल पाएगा है ना, तो इस क्रैश कोर्स को मैं पूरा करने की मेरे में एनर्जी आएगी। तो थोड़ा सा क्या करें, वीडियो को वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं, पूरी सीरीज को लोगों तक पहुंचाएं जिनको वाकई जरूरत है राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, कल वापस मिलते हैं अपन वही 7 से 8 के बीच में, रोजाना वही टाइम है अपने पास 6 से 8, 6 से 9 के बीच में बड़ा वीडियो होगा, थोड़ा मैं 8 बजे तक डालता हूं, थोड़ा छोटा वीडियो हो जाता है तो मैं 6:30 से 7 बजे डाल देता हूं है ना, तो रोज आप मिलेंगे अपन इस टाइम पे राइट, मिलते हैं अपन, बाय बाय, कल वापस, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।